नमस्कार दोस्तों, तो वृक्षिक राशि वालों, आप जानते हैं कि आपका जो नाम होता है, आपके नाम का जो पहला अक्षर होता है, उसका दोस्तों प्रभाव आपके दिनचर्या पर, आपके भाग्य पर और आपकी विशेषताओं पर, आपके जीवन के हर एक पहलू पर उसका प्रभाव होता है। यहाँ तक कि आपका नाम आपके जो जीवन के कुछ निर्णय होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अपने नाम के अक्षर को बदलवा लेते हैं। आपने बहुत से ऐसे नाम सुने होंगे जिनमें दोस्तों वो अपने नाम के पहले अक्षर को जुड़वा लेते हैं, जिनसे उनके भाग्य में वृद्धि हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के जो जातक हैं, जिनके राशि में ये बड़े बदलाव हैं, वे दोस्तों क्यों हो रहे हैं, और दोस्तों आपको बताएंगे कि आपका स्वभाव क्यों चिड़चिड़ा होता जा रहा है, क्यों आप दूसरे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्यों ऐसी नीची गिरावट आ रही है। दोस्तों, इसके साथ ही आप जो लोग हैं, आपका स्वभाव आपके नाम के ऊपर बहुत पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी दिनचर्या पर, आपके भाग्य पर और आपकी विशेषताओं पर, आपकी शिक्षा पर, प्रेम जीवन पर, यानी कि दोस्तों जीवन के हर क्षेत्र पे आपके नाम का आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बड़ी ही खास चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे ऐसी ही कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करते हैं और चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ आप ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसका भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके आसपास आपकी राशि के जातक रहते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके स्वभाव में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। वो कैसे हैं आप अपने व्यक्ति से जान सकते हैं, अपने पार्टनर से, उनके साथ में रहकर, या फिर आप अगर दूर भी रहते हैं तब भी कुछ ऐसे लक्षणों के बाद में आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। दोस्तों, जीवन में बहुत अधिक सफलता से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने थोड़ा संयम बना लिया तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, आप जिन लोगों के साथ में हैं, आपकी राशि के जो जातक हैं, दोस्तों आप जिन से बता दें कि वे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और दोस्तों आप वो अपनी एजुकेशन लाइफ में अपनी एजुकेशन के प्रति भी समर्पित होते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और दोस्तों दिल के बहुत ही साफ होते हैं। दोस्तों, कभी कभी इनका स्वभाव आप देखेंगे क्रोधित हो जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपको देखने में लगे कि ये काफ़ी अहम रखने वाला है, यानी कि अहंकारी है। ऐसे भी लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके पार्टनर में ये बात बड़ी ही अच्छी होती है, बड़ी ही सच्ची होती है कि वो सत्य का साथ देने वाले होते हैं। दोस्तों, आपकी राशि सिमिलर है इसलिए आप लोगों में काफ़ी गुण भी मिलते जुलते हो सकते हैं। दोस्तों, लोगों के दिल में बहुत बुराइयाँ भी पैदा होती हैं, लेकिन आपको हमेशा सत्य के साथ ही खड़ा रहना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके अंदर बहुत ही गजब की पावर होती है कमांड करने की। दोस्तों, लोगों पर कमांड करना इनको बहुत अच्छा होता है, और लोगों को काम बताना, लोगों से काम कराना इन लोगों की खासियत होती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिल खुश इंसान भी इन्हें हम मान सकते हैं, क्योंकि देखिए ये थोड़े गुस्से वाले ज़रूर होते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि इन्हें गुस्सा कभी नहीं आता होगा, काफ़ी मजाकिया हैं, लेकिन कभी यदि गुस्सा आ जाए तो हर बात कर देते हैं। दोस्तों, यानी कि किसी पर यदि आप देखें, अगर ये किसी पर गुस्सा करे तो उस व्यक्ति को पहले से ही ये बोलना पसंद नहीं करेंगे जब तक कि सामने वाला व्यक्ति ना बोले। दोस्तों, उस व्यक्ति के प्रति इतनी कठोरता बढ़ जाती है कि ये कभी भी पहल नहीं करते हैं उस व्यक्ति से बोलने के लिए, इसलिए इनको कभी कभी अहंकारी भी मान लिया जाता है। लेकिन दिमाग बड़ा तेज होता है, अपने ऊपर जो परेशानियाँ आती हैं तो उन परेशानियों को ये हैंडल करना जानते हैं। जैसा कि कहा कि काम के प्रति समर्पित होते हैं, जिस काम में इनका मन लगता है यदि इन्हें ऐसा कोई काम दे दिया जाए तो उसे फटाफट कर लेते हैं, उसे फटाफट आसानी से उस चीज़ को ये कर लेते हैं। और वैसे तो ये काफ़ी हद तक दिल खुलकर खर्च करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में इन्हें कंजूस कहा जा सकता है। पैसे की खर्चे की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा तो ये लोग खर्च नहीं करते हैं, और इसी मामले में इन्हें कंजूस भी कहा जा सकता है। यानी कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को समझना पड़ता है कि ये कंजूस है,
या फिर ये दिल खोल कर खर्च करने वाला व्यक्ति है। और दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। कभी कभार दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके अंदर इन लोगों के अंदर क्रोध की भावना आ जाती है। और वो क्रोध जो होता है, उस क्रोध के चलते ये व्यक्ति पर, सामने वाले व्यक्ति पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। लेकिन ये इस कंडीशन में होता है कि जब ये व्यक्ति अकेले रहते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये व्यक्ति एकदम से चुप हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आखिर परेशानी कहाँ आ रही है। जब मन होता है तो एकदम से ये बड़े चुलबुले इंसान के रूप में निखर कर सामने आते हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति बहुत अधिक समर्पित ये होते हैं, परिवार के हर सदस्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। उसके मुकाबले में इनको अपने जीवन में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अगर देखा जाए इनके हम जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें, तो ये जो जातक होते हैं, ये दोस्तों अपने साथी के प्रति बहुत अधिक समर्पित होते हैं। ये अपने साथी को किसी तरह की चीज़ या फिर कमी नहीं होने देते हैं। यह भी इन नाम वाले लोगों में वैवाहिक जीवन में अपना वर्चस्व बनाए रखने की आदत होती है, और ये एक वजह होती है जिसके कारण ये अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तालमेल जब बैठता है, जब इनका वर्चस्व बना रहता है, यानी कि ये खुद को ऊपर रखते हैं, और जहाँ इनको व्यक्ति नीचे गिराने की सोचे इनका साथी, वहीं इनका तालमेल बिगड़ जाता है। अगर इनका वर्चस्व बना रहेगा तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। और ऐसे जातक जो होते हैं, ये दिखावे में बहुत ज़्यादा यकीन भी रखते हैं। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं, आप ही की राशि के जातक हैं, सिमिलर आप लोगों की राशि मिलती है। इस नाम की जो महिलाएं होती हैं, वे अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक वफादार होती हैं, उनकी हर बात भी मानती हैं, और उनके पार्टनर काफ़ी खुशकिस्मत भी होते हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति को अच्छे से हैंडल करना ये जानते हैं। ये महिलाएं अपने दिल की बातें सच सच सबको बता देती हैं, दिल की बुरी नहीं होती हैं, और इसी चक्कर में कई बार इनको काफ़ी अहम रखने वाली महिला भी मान लिया जाता है। और विवाह के बाद में भी जो आपके जातक हैं, आपकी सिमिलर राशि के जातक हैं, उन्हें कई तरह की कठिनाइयां भी मिलती हैं। दोस्तों, इनको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पित्त की परेशानी, वायु, अग्नि, इन सब की जो परेशानी, पेट संबंधी जो परेशानियाँ हैं उनको देखने को मिलती हैं। शिक्षा के मामले में ये लोग अच्छे होते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखिए, ज्ञानी राशि मानी जाती है, ज्ञान को बढ़ाने वाली, जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको बटोरने में विश्वास रखते हैं। यदि दोस्तों इनके साथ आपकी शादी हो जाए तो दोस्तों आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। दोस्तों, यदि प्यार की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो देखिए, ये लोग जीवन में बड़े ही मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर ही ये ऊंचाइयों को छूते हैं, फिर वो चाहे व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो। इन लोगों को अपने जीवन में मेहनत भी करनी होती है और अपनी मेहनत के बल पर ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेहनत हरने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर ये एक काम में सफल नहीं हुए तो ये दूसरे काम में भाग्य आजमाते हैं, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां ज़रूर चढ़ते हैं और अपने जीवन में एक सफल, एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी बनते हैं। तो वृक्षिक राशि वालों, यदि आपको भी वृक्षिक नाम का जीवन साथी मिले तो उसका स्वभाव जानने के बाद आप उसका साथ कभी ना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही नसीब वाले होते हैं वृक्षिक राशि वाले, जो एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि और राशि वालों के साथ में आपका जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।